अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, के हाल चाल हैं आप। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आपको सोलर प्लेट्स दिखाई हैं, तो बिल्कुल मैंने चंद दिनों पहले, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था और मैंने जो है सोलर्स के ऊपर काम करना था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका जनरल बुटीक की, तो थोड़ा सा इसलिए मैं वाजत खा भी हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन आज जो कि मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ ये, तो इसलिए मैं आज इसकी काफ़ी ज़्यादा थकावट भी मुझे थी, क्योंकि साथ मैंने इसे काम किया सारा इसके, तो इसकी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सोलर सिस्टम जो है आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, तो क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अरेंज करके तो जो कि यहाँ पे मैंने लगाई हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक केस में सबसे जो रॉकेट साइंस था इसमें कोई नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। मैंने तो एक आधा बंदा हायर किया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब ये प्लेट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे ये एक स्टैंड के ऊपर जो है दो पैनल लगे हुए हैं, ऊपर नीचे टोटल छः पैनल मैंने लगाए हैं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं टोटल छः पैनल हैं। अभी इनके ऊपर आप देख सकते थोड़ी डस्ट डस्ट पड़ी हुई थोड़ी सी, लेकिन अभी भी ये चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। नीचे मेरा सिस्टम मेरा चल रहा है, ये आज ही ओपन अपना चलना शुरू हुआ है मेरा, तो आज फ्राइडे का दिन है, तो इस वजह से मैंने ये आज ही मेरा ओपन हुआ है, ठीक है। कुछ भी नीचे थोड़ा सा काम है, अभी बैटरी वगैरह मेरी लगनी है, लेकिन उसके बगैर बैटरी की मेरा अभी ये चल रहा है। ये देखें ये स्टैंड जो ये दो पैनल्स के साथ पहले एक स्टैंड ही बनता है टोटल ये, ठीक है। इस तरह टोटल ये तीन इस तरह से बने हुए हैं, जिसके ऊपर ये दो दो प्लेटें एक स्टैंड के ऊपर खड़ी हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपसे खुद भी लगवाना चाहते तो लगवा सकते हैं, अगर कंपनी से कहेंगे तो कंपनी पर लगा देंगे, लेकिन कंपनी वाले आपको पता है एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो मैंने तो ये खुद इसको किया है, मतलब एक एक चीज़ मैं खुद जाके लेके आया हूँ, ठीक है। तो बाकी मुझे अंदाज़ा है ये प्लेट्स वगैरह, अब आप मार्केट में जाएंगे तो इसके डिफरेंट रेट्स हैं, अभी शायद आगे रेट ऊपर चढ़ जाएँ तो, लेकिन बाकी ये है कि अगर आप हार्ड, क्योंकि मेन चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर सारे हार्ड रोड पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखानी थी सारी मेरी ये छत जो है तकरीबन सेंटर में ये लगी है, ठीक है। और अभी ये सूरज जो है ना तकरीबन यहाँ पर ऊपर जो है इधर सब करके चल रहा है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, मैंने दिखाने की कोशिश की है वैसे तो, लेकिन मे भी आपको नज़र आए। तो ये है कि इस तरह से बाकी चलते हैं नीचे, नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इन्वर्टर जो लगाया है वो, ठीक है। उस पर थोड़ी सी सेटिंग वगैरह जो है वो भी थोड़ी सी की गई, थोड़ा सा मैं आगे थोड़ी सी मज़ी चेंज भी करूँ। अभी तो मैं ऑटोमेटिक चल रहा हूँ उसमें, साथ वाडा भी चल रही है साथ भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी मेरी बैटरी नहीं लगी, बैटरी लग जाएंगी तो फिर वाडा भी मेरी क्लोज़ हो जाएगी मुकम्मल तौर पर दिन के टाइम, रात में वाडा चलेगी, ठीक है। लेकिन मैं बैटरी को जो है अगर मैं छी लगा लूँगा बहुत हैवी, क्योंकि जगह से मेरा इतना बजट नहीं बन रहा, तो इससे मैं भी लिमिटेड बैटरी के ऊपर रहूँगा, ताकि दिन का टाइम और बैकअप जो होगा रात का, उसमें अगर लाइट जाती है तो मेरा यूपीएस के तौर पे चले, यानी कि ये सोलर यानी कि इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली यूपीएस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे तो जो मेरे एक एस्टिमेटेड जो अभी तो मैंने प्रॉपरली इसको नहीं किया अभी मैंने चेकअप, तो वैसे तो लेकिन अभी इस वक्त तो जो रहता जो जेन में आ रहा है कि तकरीबन खर्चा चार के करीब
हो जाएगा, क्योंकि अभी बैटरी मेरी आनी है, तो मेरा ख्याल है कि 4 तक तकरीबन। हाँ, अगर आप बैटरी हैवी कर लेते हैं मज़ी, तो मज़ी 4 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, लिथियम बैटरी वैसे कहते हैं ज़्यादा बेहतर होती है। तो फिर अभी चलते हैं, ये भी मैं अगर जाकर दिखाता हूँ सेटअप, फिर आकर मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। चलें चलते हैं जी। और देखिए, अब नीचे मैं आ चुका हूँ, और ये है जी इन्वर्टर, जो कि ज़ियोनिक्स का इन्वर्टर है, 4.5 kV है। इस पर मेरे 2 AC चल सकते हैं अगर मैं मज़ीद पैनल्स लगा लूँ तो, लेकिन इस वक्त 1 AC DC इन्वर्टर मेरा चल सकता है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं सारा, ये इसमें मेरी वापदा भी शो हो रही है। ठीक है जी, वापदा भी शो हो रही है, और मिच में आप देख सकते हैं इन्वर्टर आ रहा है नीचे जो है, ये सोलर की पावर है। ये ऊपर बता रहा है कि ये मेरा घर में इतने वाट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये वापदा है, और ये नीचे सोलर 7+ हो जाएगा। अगर मेरी बैटरी लग जाएगी या तो यहाँ पे शो हो जाएगा बैटरी के, तो वो ख़त्म हो जाएगा कट ऑफ जो है ना वापदा। ठीक है, ये मेरी TP लगी हुई है जो इसके साथ है, और अभी इसमें मेरा जो है, मैं बैटरी अगर लग जाती तो मेरा ये फंक्शन जो भी था वो ईजी हो जाना था, लेकिन बहरहाल ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम चल रहा है सब मेरा। तो अभी थोड़ा सा काम वगैरह से किचन मेरा अभी जो है अभी वो इस पर नहीं आया सोलर पे, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा वायरिंग का, क्योंकि जुम्मे का दिन भी था तो टाइम शॉर्ट था, जिस वजह से ये काम नहीं कर सकता। मैं आपको बाहर से भी दिखा दूँ कि जो है इसका कहाँ से इन्होंने अंदर किया वायरिंग, ये देखिए अभी DP भी क्लोज़ होनी है, तो यहाँ से नीली लाइट वायर जा रही है, ये मेरे अंदर जा रही है सिस्टम में, जो कि मुझे सोलर सिस्टम को मदद कर रही है, AC के वापदा से जो है सोलर सिस्टम को मुझे सपोर्ट मिल रही है। तो और ये देखिए अभी मेरे पास वायरिंग भी यहाँ पड़ी हुई है, जो कि मैं लगाता रहा हूँ सारी, काफ़ी कुछ जो है इसमें मेहनत लगी है हमारी। मैं वो तो नहीं दिखा सका आपको जितनी मेहनत से हम लोगों ने इसको लगाया है, क्योंकि एक एक चीज़ दिखाना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली आपकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अगर इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर आप एक ही चीज़ खुद लेके आएं। ठीक है, एक अगर बंदा आप हायर कर लें जो सोलर लगाने का जो माहिर है, ठीक है, उसको आप हायर करें, ठीक है, और एक ही चीज़ ये आप खुद लेके आएं। आप राउंड में कम से कम, मैं फिगर आपको बता देता हूँ, कम से कम आपका 4 तक आपको तकरीबन आपका लग सकता है, ऊपर भी जा सकता है अगर आप इसमें बैटरीज की जो है मज़ीद, अगर आप हैवी बैटरी की तरफ जाते हैं या पैनल्स की तरफ हैवी जाते हैं। 6 पैनल्स एक नॉर्मल घर के लिए, इसमें मेरा भी बता दूँ इसमें मेरा तकरीबन कितना लोड है, उस लोड के मुताबिक मैं आपको बता दूँ, अगर आपका भी इतना तकरीबन लोड बनता है तो आप उसके मुताबिक पैनल्स को देख सकते हैं। मतलब मेरा लोड जो है 1 AC इन्वर्टर है, ठीक है, DC इन्वर्टर 1.5 टन का है, फ्रिज है, और उसके अलावा पंखे हैं 2 मेरे, ठीक है, लाइट्स वगैरह हैं, तकरीबन जितनी भी लाइट्स हो तो कोई मसला नहीं उसमें, साथ एक मोटर है पानी वाली जो कि टैंकी को भरती है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा लोड है सारा ये, तो इस वजह से इसमें मेरे लिए 6 पैनल इनफ हैं। ठीक है, इस पर मेरा अभी नेट मीटिंग मैंने नहीं करवाई, अगर कराना चाहें करवा सकते हैं, उसमें ग्रीन मीटर लगता है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी आप करना चाहें। और एक बेहतरीन सिस्टम है ये वाला, और ये जो ब्रांड है ये PV 6500 और ज़ियोनिक्स Z सीरीज़ की, ये 5 सीरीज़ है। ठीक है जी, और Z सीरीज़ क्योंकि ज़ियोनिक्स सोलर एनर्जी सिस्टम है, तो ये सब जो है आपके सामने मैंने एक शॉर्ट वीडियो तरह की बना दी है। ठीक है जी, ताकि आपको मतलब एक बहुत लॉन्ग वीडियो भी नहीं मैंने की। ठीक है, और पैनल्स जिस तरह हमारा लगे हैं वो आपको पता है कि जो आपको जो लगाने वाला बंदा होगा वो आपको उसकी गाइड कर देगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको खुद तो लगाना नहीं है, वो लड़का ही लगाएगा। तो क्योंकि मार्केट में रेट ज़्यादा है, क्योंकि मैंने लगवाया उस पर, तो खैर मुझे 5 रुपये पर वाट के हिसाब से मुझे वो सोलर पैनल लगे हैं, बाकी मार्केट में 7 रुपये 10 रुपये 12 रुपये रेट चल रहा है, तो वो आपको पता ही है, मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, मेरे को तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर मस्त कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को मस्त कीजिए। ठीक है, मुझे जा दीजिए आपका होस्ट जिले प्रतीक से, और VWiz पे भी मैं ये वीडियो आपको इंशाल्लाह VWiz पे भी लगाऊंगा। ठीक है, तो मुझे आप इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।